हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट आई है। वाइस प्रिंसिपल, हेड मिनिस्ट्रेस, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। स्कूल काउंसलर, यदि आपने साइकोलॉजी में एमए किया है, लाइब्रेरियन, एडमिन एग्जीक्यूटिव, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, वेलनेस टीचर, एडमिन ऑफिसर और एडमिशन काउंसलर की वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर हेड मिनिस्ट्रेस में केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगी। तो यहाँ पर जिन्होंने बीएड किया है, बीटीसी किया है, तो बिल्कुल अपना समय बर्बाद ना करें। आप लोग कुछ ना कुछ जो है वो अर्निंग जरूर करें। यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं है आपकी, ना ही सीटेट की जरूरत है। आप लोगों को जो पेमेंट मिलेगी, जो सैलरी मिलेगी, वो पे स्केल एज पर सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो चलिए डिटेल में नोटिफिकेशन देखते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो ये जो है इस स्कूल की मेन वेबसाइट है। स्कूल जो है वो काफी अच्छा है। स्कूल का नाम जो है वो द त्रिभुवन स्कूल है। तो तीन स्कूलों का मिक्सचर जो है वो समझिए इस स्कूल को। नया स्कूल है तो यहाँ पर जो है टीचर्स की, नॉन टीचिंग स्टाफ की जो है रिक्वायरमेंट है। ये मेन जो है इसकी साइट है, जहां पर आप देख सकते हो लास्ट में लिखा है कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो इसमें जो है वो आप लोगों को करियर पर जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही आपने करियर पर क्लिक किया तो ये जो है यहाँ पर करियर यानी कि वैकेंसी के बारे में आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो है नीचे है टीचर रिलेटेड फॉर्म और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड फॉर्म, यानी कि टीचिंग स्टाफ के लिए जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों को यहाँ मिलेगा। इसके लिए आपको टीचर रिलेटेड फॉर्म पर क्लिक करना होगा, ठीक है। इस तरीके का जो है वो आप लोगों के सामने एप्लीकेशन फॉर्म जो है होगा, जिसको आपको फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है नॉन टीचिंग स्टाफ में एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड फॉर्म, ठीक है, दूसरा फॉर्म आपको यहाँ पर मिलेगा। यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसको भरना चाहते हैं तो ये फॉर्म है जिसको आपको भरना है। अब चलिए हम जो इसकी डिटेल एडवर्टीजमेंट है वह देख लेते हैं। तो ये जो है द त्रिभुवन स्कूल की कंप्लीट एडवर्टीजमेंट है, जो कि न्यूज़पेपर की कटिंग है, क्योंकि इन्होंने मेन वेबसाइट पर इसे नहीं डाला है। मेन वेबसाइट पर केवल एप्लीकेशन फॉर्म डाले हैं टीचिंग स्टाफ के और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के। तो आप लोगों को सारी जानकारी यहीं पर मिलेगी। तो इसको ध्यान से देखिए, या तो पेन पेपर लेकर जो है वो एड्रेस वगैरह सब कुछ नोट कर लें या स्क्रीन शॉट ले लें। द त्रिभुवन स्कूल अ सिस्टर कंसर्न ऑफ डीपीएस सुशांत लोक गुरुग्राम, डीपीएस कोटा एंड डीपीएस कांगड़ा। तो ये जो तीन स्कूल है, एक तो गुरुग्राम में है, कोटा में है और कांगड़ा में जो डीपीएस है, इन तीनों का मिक्सचर ही समझिए इस स्कूल को। यानी जो क्वालिटी इन स्कूलों में है वही आपको जो है इसमें देखने को मिलेगी। नया स्कूल है तो इसीलिए यहाँ पर टीचिंग स्टाफ की, नॉन टीचिंग स्टाफ की जो है यहाँ पर आवश्यकता है। यहाँ पर जो वैकेंसी है मैंने आपको बताया, वाइस प्रिंसिपल की, हेड मिनिस्ट्रेस की, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की, पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी में सभी सब्जेक्ट की है। नया स्कूल है तो सभी सब्जेक्ट के लिए टीचर्स चाहिए। स्कूल काउंसलर की, लाइब्रेरियन की, एडमिन एग्जीक्यूटिव की, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की, टीजीटी असिस्टेंट टीचर, वेलनेस टीचर, एडमिन ऑफिसर, एडमिशन काउंसलर की, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो है वो पोस्ट हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक दो सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट की जो है यहाँ पर टीचर्स की आवश्यकता है। सैलरी जो है वो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है पे स्केल एज पर सीबीएसई नॉर्म्स, और सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है जैसे कि पीआरटी में आपको 21,250 तक जो है वो सैलरी मिलती ही है। इसके बाद जो है वो टीजीटी की अगर बताएं तो यहाँ पर जो है वो 23 या 24 हजार और उससे अपर आप चले जाएं तो सैलरी काफी बढ़ती जाती है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल फॉर द फॉलोइंग पोजिशन। अब अच्छा स्कूल है, ठीक है, क्योंकि डीपीएस की ही समझ लिए कि छाया है, ठीक है, क्योंकि डीपीएस सुशांत लोक गुरुग्राम, डीपीएस कोटा और डीपीएस कांगड़ा, इन तीनों का ही मिक्सचर जो है ये स्कूल है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो अच्छे टीचर्स की जरूरत है। यदि आपने कहीं पर एक्सपीरियंस लिया है तो आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट साबित होने वाला है। सीटेट की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। अब इन सब्जेक्ट के लिए बीएड तो जो है यहाँ पर चाहिए ही। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। जिनको भी शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन कैसे करनी है, तो एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट। ये स्कूल की वेबसाइट है, इससे आपको मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले दिखा दिया है। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप इसी पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसे भरें। और भरने के बाद ड्यूली कंप्लीटेड फॉर्म टू बी सबमिट एट द स्कूल रिसेप्शन। तो दो तरीके हैं आपके इसको जो है भेजने के। कंप्लीट करने के बाद आप लोग 9 बजे से 3 बजे तक का जो समय है, ठीक है, यानी आज से समझ लीजिए आज से,
तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ड्यूली कंप्लीटेड फॉर्म, फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है, जो भी लिखा है उसमें सब भर लेना है, टू बी सबमिटेड एट द स्कूल रिसेप्शन बिटवीन 9 AM to 3 PM, यानी आज से ही समझ लीजिए लास्ट डेट 5 अगस्त है, 5 अगस्त तक, आज से लेकर 5 अगस्त तक स्कूल टाइम है 9 से 3 बजे तक, या तो आप स्कूल पहुंच जाएं, स्कूल रिसेप्शन पर आप लोग इसको जो है सबमिट करा दें, जमा करा दें, ठीक है। और अगर आप नहीं जा सकते हैं, दूर पड़ता है आपके स्कूल, ईमेल कर सकते हैं, ये ईमेल जो है वो आईडी दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले ले, लिख ले आप इसको अच्छे से, अगर आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है। ये इसका एड्रेस है ऑफ साउथ ऑफ दानापुर, धनापुर खागोल पटना, ठीक है। तो पटना की जो है ये स्कूल है, ये फोन नंबर है, बाकी चीजें आप डिटेल में, फोन नंबर दिया हुआ है 9546284111, यहाँ पर जो है वो आप फोन करके और भी जानकारी ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गूगल पर आपको सर्च करना है tribhuvanschool.com, ठीक है, ये जो है वो आपका खुल जाएगा। कॉन्टैक्ट अस पर आपको करियर पर क्लिक करना है, करियर पर क्लिक करने के बाद जो है वो आप नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है टीचर रिलेटेड फॉर्म और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड फॉर्म, फॉर्म आपको यहाँ मिलेगा, तो आप इसको बिल्कुल फिल कर लेंगे, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये जरूर आप लिखें, ठीक है, और बाकी चीजें जो है वो आप डिटेल में यहाँ पर भर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।